पब्लिक टीवी आपकी आवाज। एकता कॉलोनी में सड़क का निर्माण न होने पर महिलाओं ने नगर निगम कैंप ऑफिस पर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि अनेकों बार गली के निर्माण की शिकायत की गई, लेकिन फिर भी सड़क का निर्माण नहीं कराया जा रहा। तो वहीं कहा कि जब जरूरत होती है तो वोट लेने की तो बड़ी ही आसानी से क्षेत्र में घूमते हैं और झूठे वायदे करते हैं। इस दौरान महिलाओं ने कहा कि छोटे छोटे बच्चों को पानी में निकलकर स्कूल जाना पड़ता है, रास्ते भी काफी खराब हैं, जिससे बच्चों के डूबने का काफी डर है और आसपास में गंदगी होने के कारण बच्चे बीमार रहते हैं। इसीलिए एकता कॉलोनी के निवासियों ने मांग की है कि मंडी समिति SRA स्कूल के पास गली का निर्माण कराया जाए, जिससे क्षेत्र के लोगों को सहूलियत मिल सके। इस दौरान शीला, सुनीता, पूनम शर्मा, सुषमा शर्मा, रितिका शर्मा, हरिओम शर्मा, मुनीश शर्मा, दीपांशी, शारदा, पूनम, आशीष, निशा, माया सैनी के साथ और भी महिलाएं मौजूद रही। ये हम एकता कॉलोनी से आए हुए, वहाँ इतना इतना पानी भरा हुआ है, ऊपर से करंट भी आ जा रहा है। एक बच्चा ऑलरेडी पहले मर चुका, अब दूसरा बच्चा मरने के इंतजार में बैठे ये लोग नगर निगम वाले। कोई सुनवाई नहीं मिल रही है, कोई सुनवाई नहीं। कोई कहता 5 मिनट, कोई कहता 10 मिनट, कोई आता ही नहीं। हम लोग इतनी दूर से बच्चों को लेके भूखे प्यासे यहाँ खड़े हैं, इंतजार कर रहे कि कोई चले मेरी वहाँ सड़क बनवाए, कोई नहीं बनवाता। और DM के पास गए, DM झूठ बोलते हैं, उसका राइट हैंड वाला झूठ बोलता है। बताइए क्या करें, पाइप लाइन पड़ जाए और सड़क बन जाए। वहाँ पर रोड के लिए है, हम लोग रोड बनवाना चाहते हैं। हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, वहाँ पर एक बच्चा मर चुका है ऑलरेडी, के दूसरा बच्चा मरने का वेट करें, या फिर जो हमारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, हमें बीमारियाँ हो रही हैं, सबको एलर्जी वगैरह हो रही है, तो उसकी समस्या कौन उठाएगा। यहाँ तक कि DM तक झूठ बोलता है। DM के पास हम लोग 15 दिन पहले गए थे, उसके बगल वाले ने बोला था कि 4 दिन बाद सर्वे करने के जाएंगे। आज DM साहब से हम लोग मिले तो DM ने बोला कि झूठ बोला गया था यहाँ पे। जब DM झूठ बोलता है तो आगे को और भी कोई झूठ बोलेगा। क्या चाहते हो? हम लोग चाहते हैं कि हमारे यहाँ की पाइपलाइन पड़े, रोड बने, हमारे बच्चों के लिए सुविधा हो, हमारे लिए सुविधा हो, क्योंकि हमारी जो बीमारियां मोहल्ले में फैल रही है वो सब नहीं होनी चाहिए। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।